ग्रुप आपका सीए हो गया कंप्लीट, यस सर, इंटरमीडिएट इंटरमीडिएट हो गया सर, फर्स्ट एंड सेकंड ग्रुप फाइनल बचा है बस। अच्छा, ओके, चलो बढ़िया है यार, सीए से अच्छा है, मतलब काफी अच्छा स्कोप भी है। यस आप करंट अफेयर्स की क्लास, हाँ ट्रेनिंग भी स्टार्ट हो गई है सर, ट्रेनिंग भी कभी कभी जाता हूँ मैं। अच्छा, बढ़िया है, चलो। और आप बाकी प्रिपरेशंस चल रही है आपकी, मतलब गवर्नमेंट की? यस सर क्लासेस, यस सर क्लासेस ऑनलाइन चल रही है सीए की अभी तो। अच्छा, और इसकी भी एसएससी वगैरह भी कर रहे हो क्या? यस सर एसएससी भी कर रहा हूँ, दोनों चीज कर रहा हूँ मैं। सही है, करते रहो, ये भी अच्छा एक ऑप्शन है, मतलब बैक एंड एंड लेके चलो, बेस्ट बेस्ट ऑप्शन है, टीम आ गया, चलो वहां पे तो वैसे सीए तो सबसे बेटर ही है, अगर गवर्नमेंट में लग जाती तो उससे और सबसे बढ़िया तो कोई चीज है भी नहीं। अच्छी भी चीजें प्रैक्टिस भी रहती है और चीजें मेंटेन भी रहती है, सीए है तो आपके मैथ्स वगैरह भी काफी अच्छी होगी, तो काफी अच्छा। सर मेरा सर मेरा एमबीए फाइनेंस है था मेजर। ओ वाओ, इट्स गुड, कोई चीज छोड़ी नहीं है आपने। सही है, गुड, ओके, वाइस आ गया, तो आप आ गए हो, चलो आज करंट अफेयर्स की क्लास तो आप करोगे ना शाम को? यस सर, यस सर, शाम को नहीं है सर, 11 बजे, यस सर, 11 बजे, यस सर, तो 11 बजे आज तो हम लोग बेसिकली पढ़ेंगे, छोटी ट्रिक्स बताऊंगा मैं, शॉर्ट ट्रिक्स वगैरह बताऊंगा आपको, और हम प्रैक्टिस करेंगे एमसीक्यूज वगैरह भी आज करंट अफेयर्स के, तो बता दिया मैंने ये चीजें, ठीक है, करंट अफेयर्स पढ़ ली सकते हैं आपने? यस सर मैं मतलब रिवाइज करता रहता हूं करंट अफेयर्स, रिवाइज करते रहो करंट अफेयर्स, क्योंकि उससे ही नहीं सही फंसेगा ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन पेपर, ठीक है, बाकी पद्म विभूषण वगैरह की, पद्म भूषण जो मिलेगा 7 जनों को, विभूषण जो 7 जनों को मिले हैं, तो उनकी बेसिकली शॉर्ट टर्म देखेंगे, शॉर्ट ट्रिक्स थोड़ी बहुत देखेंगे कि शॉर्ट ट्रिक्स से कैसे याद किया जा सकता है, क्योंकि वो मोस्ट प्रोबेबली क्वेश्चंस आने हैं पेपर में, मैं भी उस फॉर्म में पूछ सकता है कि वो मैं कभी भी सर न्यूज भी सुन लेता हूँ, जैसे कभी कुछ इम्पोर्टेंट न्यूज बता देते हैं, नहीं कंटीन्यूअस डेली न्यूज, और इंग्लिश में थोड़ी न्यूज पढ़ोगे तो एक टॉप न्यूज पेपर भी करते हो ज्यादा की, तो सर मैंने एक इंडिया अपना घर में लगवाया हुआ है टाइम्स ऑफ इंडिया, उसी को पढ़ता हूँ मैं। सही है यार, न्यूज पेपर बहुत जरूरी होता है, मैंने न्यूज पढ़ दिया, तो टाइम ही नहीं मिलता, मैं फटाफट बस गूगल देखता हूँ, गूगल में सब चीज जो आती रहती है वो उसी में से रीड आउट कर लेता हूँ, उसे क्लियर हो जाता है, न्यूज पेपर पढ़ने का टाइम ही नहीं इतना। चलो फिर स्टार्ट करते हैं, बच्चे तो आते ही रहेंगे धीरे धीरे। यस सर आप थोड़ा स्टार्ट कर दीजिए। यस सर चलो स्टार्ट करते हैं, क्योंकि देखो ध्रुव हमने लास्ट क्लास में और वंश हमने लास्ट क्लास में बेसिकली जो डेप्थ से डील करा था वो हमने आपके क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ना स्टार्ट करा था, जिस क्लासिफिकेशन के बारे में बताया था जो आपका टू किंगडम क्लासिफिकेशन था वो कैरलस लिनियस ने बताया था, बट उनकी थ्योरी क्या हुई थी, फेल हो गई थी, तो उसके बाद आपका थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन बताया गया था। थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन में आपके प्लांट एनिमीडिया और आपके जो मनेरा थे ब्रोटिस्टा थे उनको बेसिकली जोड़ा गया था। यस गुड मॉर्निंग वंश, ठीक है, तो उसके बारे में हमने बताया था, उसके फादर कौन थे आपके, अर्नेस्ट हेगल थे। इसके बाद फोर किंगडम क्लासिफिकेशन आया, इसी तरीके से फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन जो हम लोग बेसिकली पढ़ते हैं वो हमारा फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन पढ़ा जाता है, जिसके फादर कौन है हमारे, आर्यश विटेकर। आर्यश विटेकर पूछा जाता है कि वनडे एग्जाम में हू इज द फादर ऑफ फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन, तो आर्यश विटेकर इसके फादर थे। ओके, आफ्टर दैट फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन हमने पढ़ा था थोड़ा बहुत कि मोनेरा क्या होता है, प्रोटिस्टा क्या होता है, प्लांट क्या होता है, फंगाई क्या होता है, एनिमिलिया क्या होता है, ये हमने सब पढ़ लिया था, और साइंटिफिक नेम के बारे में भी बता दिया था, बॉटनी के बारे में स्टार्ट किया था। तो बॉटनी में हमने बेसिकली जो डील करा था वो आपके दो तरीके की चीज होती है, एक होते हैं क्रिप्टोगैमिट्स और दूसरे होते हैं फिनेरोगैमिट्स। तो क्रिप्टोगैमिट्स बेसिकली क्या होते हैं, जो कि क्या होते हैं, बिल्कुल सीडलेस होते हैं, जिसमें ऐसे प्लांट जिनके अंदर कोई भी सीड प्रेजेंट नहीं होती, ये रूटलेस होते हैं, रूट बिल्कुल भी प्रेजेंट नहीं होती, वो क्या कहलाते हैं, और जो फ्लावर्स नहीं होते वो हमारे क्रिप्टोगैमिट्स कहलाते हैं, ठीक है। क्रिप्टोगैमिट्स के अंदर हमने बेसिकली क्या पढ़ा था, हमारे थायलोफाइटा के बारे में देखे, थायलोफाइटा सबसे बड़ा ऑर्गन है आपके, ये सबसे बड़ा प्लांट किंगडम का पार्ट है, इसके अंदर कोई रूट्स नहीं होती, स्टेम्स नहीं होती, लीव्स नहीं होती, ओके। फिर हमने पढ़ा था इसमें नो कंडक्टिंग टिश्यू, पर टिश्यू भी नहीं होंगे तब सीधी सी बात है, जब रूट नहीं है, स्टेम नहीं है, तो वाटर कैसे जाएगा आपका। फिर हमने एल्गी के बारे में पढ़ा था कि एल्गी के डिफरेंट कलर्स होते हैं आपके, ठीक है, एल्गी अपना खाना बना सकता है, एल्गी क्या आपका ऑटोट्रॉप्स है, एल्गी मेक देयर ऑन फूड, दैट इज व्हाई एल्गी इज ऑटोट्रॉप्स, ठीक है। उसके बाद मैंने पढ़ाया था आपको कि रेड एल्गी जो होती है वो होती है हमारी रूडोफाइगी, रेड एल्गी को हम लोग क्या बोलते हैं, रूडोफाइगी कहते हैं, ग्रीन एल्गी जो होती है उसको हम बोलते हैं क्लोरोफाइगी, बेसिकली ग्रीन कलर के नाम से लीव्स में जैसे ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है क्लोरोफिल, तो क्लोरोफाइगी बोलते हैं, और ब्राउन कलर की जो एल्गी होती है उसको फाइगोफाइगी बोलते हैं। ये बताया था मैंने एल्गी के यूजेस होते हैं स्पेस में, जब जब भी एस्ट्रोनॉट्स जाते हैं तो एल्गी का यूज करते हैं, तो एल्गी जो बेसिकली यस ग्रुप
एनी डाउट? अच्छा यू स्कूल तक पढ़ा था, ठीक है चलो कोई बात नहीं, ना आगे प्रोसीड करते, मैं इसलिए पढ़ा रहा हूँ रिवाइज करो ताकि कोई और भी बच्चा जुड़ जाए आते आते जब तक मैं कंप्लीट कर दूँ। ओके आगे जब हम फंगाई पढ़ रहे थे, फंगाई के बारे में समझा दिया था, चलो कोई बात नहीं हम अपना क्लास स्टार्ट करते हैं बायरोफाइटा से। ठीक है देखो बायरोफाइटा में क्या होता है आपको मैंने बता दूँ, बायरोफाइटा है कि प्लांट का जो एग्जाम्पल है वो आपका मॉसिस है। बायरोफाइटा क्या है, प्लांट इज अ प्लांट डिविजन That contain mosses. जितनी भी mosses होती हैं, ठीक है, वो हमारे किसके अंदर आती है, बायरोफाइटा के अंदर आती है। mosses are the example of बायरोफाइटा। अभी SSC CHS का जो एग्जाम हुआ था तो उसमें एग्जाम्पल एग्जाम्पल दिया था कि मॉस जो होता है कि मॉस किसका प्रकार होता है, ये मॉस किसके अंदर आता है, बायरोफाइटा के अंदर आता है, एंजियोस्पर्म के अंदर आता है, जिम्नोस्पर्म के आता है, किसके अंदर आता है, तो मॉस इज एग्जाम्पल ऑफ बायरोफाइटा। मॉस किसका एग्जाम्पल है, मॉस एक बायरोफाइटा का एग्जाम्पल। ये जल्दी काई जैसा ही दिखाई पड़ता है, जब बेसिकली जो नाले वगैरह होते हैं नालियों के आसपास का जो गटर होता है जिसमें नाली नाला भरा होता है उस टाइप के जो साइड में होते हैं वो जल्दी मॉस होते हैं। मॉस कभी कभी आपने देखा होगा प्लांटों के ऊपर भी मॉस लग जाता है बेसिकली। और असल में आपको मॉस का बताता हूँ, देखो बढ़िया एग्जाम्पल क्या, आपने ट्री देखा होगा ध्रुव, जब ट्री होता है तो ट्री की जो ट्रंक होती है, जो ट्रंक होती है ना, ट्री की जो ट्रंक होती है उसकी सराउंडिंग है, जिसकी सराउंडिंग कभी देखो ट्रंक के ऊपर क्या होता है, ब्राउन कलर की जो लकड़ी सी होती है उस पर क्या होता है कभी कभी कुछ काई सी जम जाती है, वो काई ही क्या होती है, वो बेसिकली मॉस होती है। और मॉस किसका एग्जाम्पल है, बायरोफाइटा का एग्जाम्पल है। कभी कभी आप लोग जाते होंगे कभी भी पत्थर देखते होंगे आसपास, कभी नदियों के आसपास आपने अगर देखा होगा, अगर कभी आप ऋषिकेश वगैरह गए होंगे तो ऋषिकेश वगैरह में अगर आपने राफ्टिंग वगैरह करी होगी तो सराउंडिंग में क्या होता है कुछ पत्थर वगैरह पड़े होते हैं, स्टोन पड़े होते हैं, ठीक है स्टोन पड़े होते हैं, तो स्टोन पे भी क्या होती है कभी कभी काई सी जम जाती है, वो काई जो होती है वो बेसिकली काई नहीं होती, एक प्रकार का मॉस होता है। मतलब दीज आर द एक्चुअल पोजीशन ऑफ मॉसेस। तो मॉसेस कहाँ पाई जाती है, जितनी भी शेडी एरियाज होते हैं तो शेड में जितनी भी एरिया होंगी तो वहां पे क्या होता है मॉस प्रेजेंट होता है, और मॉस इज अ टाइप ऑफ बायरोफाइटा। मॉस क्या है, एक प्रकार का आपका बायरोफाइटा होता है। तो इट इज क्लियर टू यू कि मॉस होता क्या है, पेपर में आपसे डायरेक्टली पूछेगा कि मॉस इज अ एग्जाम्पल ऑफ बायरोफाइटा एंड इट इज प्रेजेंट अंडर द शेडी एरियाज, जितने भी हमारे शेडी एरियाज होते हैं वहां पे क्या होता है मॉस हमारा प्रेजेंट होता है। और मॉस में क्या होता है, हैविंग क्रूड स्टेम लीव्स एंड नूड, इसमें रूट क्रूड स्टेम्स होती हैं छोटी बहुत होती है, लीव्स होती है बट इसमें कोई रूट नहीं होती, कोई भी जड़ प्रकार की चीजें नहीं होती मॉस के अंदर, ठीक है। और इसको पेपर में कई बार क्वेश्चन आता है कि एम्फीबिया किसको बोला जाता है, मतलब मॉस एम्फीबिया कहलाता है। एम्फीबियंस क्या होते हैं, एम्फीबियंस वो होते हैं जो हमारे लैंड पे भी प्रेजेंट होते हैं, मतलब हमारे लैंड एरिया में प्रेजेंट होते हैं एज वेल एज कहाँ होते हैं हमारे वाटर में प्रेजेंट होते हैं, that is called amphibians। पेपर में कई बार ये इस फॉर्म में भी आ जाता है, who is the amphibians of plant kingdom, नोट डाउन कर लेना ध्रुव और वंश, कि जो amphibians होता है हमारे plant kingdoms का, जो plant kingdom होता है उसका जो amphibians कहलाता है वो कौन होता है, हमारा बायरोफाइटा होता है। क्योंकि amphibians वो होते हैं जो कि लैंड एरिया पे भी आपके ग्रोथ करते हैं और आपके वाटर में भी क्या होते हैं प्रेजेंट होते हैं आपके। मतलब ये जो बायरोफाइट्स होते हैं वो लैंड में भी होते हैं, मतलब लैंड इन द सेंस कि स्टोन के ऊपर ये डिपॉजिटेड हो जाते हैं, और वाटर के अंदर क्या होते हैं, वाटर के अंदर जो एक्वाटिक पार्ट होता है उसके अंदर भी ये डिपॉजिट होते हैं, इसलिए इनको प्लांट किंगडम का एम्फीबियंस बोला जाता है। एम्फीबियंस मतलब होता है उभयचर। यस वंश एनी डाउट? मॉस जो होगा आपका एग्जाम्पल नहीं होगा वंश, वंश मॉस जो होगा इट्स नॉट इंक्लूडेड इन थैलोफाइटा। थैलोफाइटा इज डिफरेंट थिंग्स। Under the thylophyta, the algae, the fungi comes. But under the myrophyta, the moss comes. Okay, Vansh? जो आपका moss आएगा, वो myrophyta के अंदर आएगा. Moss is an example of myrophyta. I am just telling you where the moss is present. कि moss कहाँ पे निकलता है, कि कैसी चीजें होती है. तो moss basically जितनी भी trees होती हैं, ये shady area होता है. हाँ, root नहीं होती, फिर भी, लेकिन वो myrophyta का example है. Vansh, it's an example of myrophyta. Not example of thylophyta. Don't be confused because thylophyta, under the thylophyta, the algae, fungi, these are comes. But under the bryophyta, the mosses comes. So mosses क्या होती है? Basically जो trees वगैरह होती हैं, जो shady areas होते हैं, वहाँ पे growth करती हैं. और इनको amphibians बोला जाता है. इनको क्या बोला जाता है? Basically plant kingdom का amphibians बोला जाता है. उभयचर बोला जाता है. क्योंकि ये plant में भी land में भी grow होते हैं as well as water में grow होते हैं. और जितने भी moist area होता है, जितना भी जहाँ पे मॉइस्चर की मात्रा ज्यादा होती है, मॉइस्टिक एरिया होता है, वहां पे ये बायरोफाइटा या मॉस क्या होते हैं आपके ओरिजिन होते हैं। तो पेपर में आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा कि मॉस इज एग्जांपल ऑफ विच प्लांट किंगडम,
आपका आंसर क्या होगा, यू हैव टू टिक द आंसर बायरोफाइट्स, बायरोफाइट्स का राइट आंसर है। अब बायरोफाइट में क्या होती है, लैकिंग ऑफ जाइलम एंड फोलम, जाइलम और फोलम अभी हम पढ़ेंगे, दो प्रकार के टिश्यूज होते हैं, टिश्यूज होते हैं जाइलम और फोलम। देखो जाइलम को हिंदी में क्या कहते हैं, जाइलम, हिंदी में ऐसे लिखते हो ना जाइलम। तो इसमें एक बार बताओ, जब इसमें कोई टिश्यू ही नहीं है, जब इसमें कोई रूट ही नहीं है, तो रूट के रूट ही नहीं है तो इसका मतलब टिश्यूज कोई है नहीं, टिश्यूज भी इसके अंदर प्रेजेंट नहीं होते, तो इसके अंदर जाइलम और फोलम जो होते हैं वो बिल्कुल एब्सेंट होते हैं। जल्दी से मुझे बताओ वंश जाइलम का क्या फंक्शन होता है, अगर पता है तो, व्हाट्स द फंक्शन ऑफ जाइलम, अगर पता है तो वंश बता सकते हो, वॉटर कैरी करना, वेरी गुड, एब्सोल्युटली राइट वंश, जो आपके वॉटर को कैरी करना या आपके वाटर को फ्लो करना या कंडक्ट ऑफ वाटर या फ्लो ऑफ वाटर या मूवमेंट ऑफ वाटर या ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर, कुछ भी कह सकते हो, ट्रांसपोर्ट करना वाटर का। अब कैसे याद करोगे, देखो कैसे याद करने का तरीका, देखो जालम जल आता है इसके अंदर, तो ये जल को निकालने का काम करता है, ठीक है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है उसमें जल्दी मदद करता है, बट ये यहाँ एब्सेंट होता है बायरोफाइटा के अंदर। अगला होता है फोलियम, फोलियम क्या होता है, फूड का मूवमेंट, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ, ध्रुव पता है ना, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड, जो फूड को ट्रांसपोर्ट करता है, जो खाना बन जाता है फोटोसिंथेसिस के बाद, उसको ट्रांसपोर्ट करने का काम फोलियम का होता है, ओके, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड, इसको क्या होता है, ये इसका क्या हो गया, जस्ट एक बायरोफाइटा हो गया। अब गार्डनिंग वगैरह में आपके यूज परफेक्ट बन जाता है, ठीक है, इसमें मॉस का एग्जाम्पल हो सकता है, स्पैगम इतना नहीं पूछता, ये फ्यूल की तरह यूज कर सकते हैं, मतलब मॉस के एग्जाम्पल्स क्या क्या है, यूजेस क्या है, इट इज यूज एज एंटीसेप्टिक, इतना ये सब याद करने की जरूरत नहीं है आपको, इट इज नॉट नीडेड टू यू, इट इज यूज एज ए फ्यूल, हम मॉस का यूज फ्यूल में भी करते हैं, ठीक है, आपके जो फ्यूल्स वगैरह होते हैं उसमें आपके ईंधन वगैरह में इसका यूज कर सकते हैं, और जितनी भी एंटीसेप्टिक दवाइयां होती हैं, जो कि एंटीसेप्टिक डिटॉल और ये सब चीजें होती हैं आपकी, उसमें भी हम बेसिकली मॉस का यूज करते हैं आपके, मतलब दैट इज अ पर्पस, दैट इज अ यूज, दैट इज अ पार्ट ऑफ बायरोफाइटा। तो मॉस इज अ एग्जाम्पल ऑफ बायरोफाइटा, एंड बायरोफाइटा इज द एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम। मैनी टाइम इट इज आस्क्ड इन अ क्वेश्चन पेपर कि एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम किसको बोला जाता है, तो बायरोफाइटा को अब द एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम बोला जाता है। दैट इज अबाउट ऑल अबाउट द बायरोफाइटा। आफ्टर द बायरोफाइटा there is a third type that is for pteridophyta, pteridophyta, phyta means hota hai plant, phytoplankton hota hai na, phytoplankton is a part of plants, to pteridophyta kya hai, pteridophyta aapka jo hota hai basically ye bhi ek prakar ka plant kingdom hai, iska example hota hai fern, aap logo ne kai baar paper mein kai baar direct ye question pucha gaya hai CGL ke paper mein ki fern is a type of which plant kingdom, to aapka answer hoga fern jo hota hai, fern is a type of pteridophyta, मतलब जल्दी जो examples में previous years में question ये पूछा है कि आपको just example दिया है and examiner asked the question from you that example is belongs to which plant kingdom, you have to tick the answer that is pteridophyta, PF के नाम से आता है, तो provident fund होता है ना आपका, PF के नाम से provident fund है, तो pteridophyta fern है। अब तो fern का पौधा मैं बताता हूँ कैसा होता है, वो यहाँ मैंने diagram नहीं बताया, मैं आपको बता देता हूँ, fern का पौधा ऐसा होता है, अगर आपने राजस्थान वगैरह इलाकों में, अगर आप कोल्डी इलाकों में गए, अगर पहाड़ी इलाकों में गए तो फर्न का पौधा इस तरीके से होता है आपके, इस तरीके से, तो हिमाचल वगैरह के अंदर जो पौधा होता है, इस तरीके से फर्न का पौधा होता है, ये फर्न का पौधा ही क्या होता है, टेरिडोफाइटा का एक एग्जाम्पल होता है। हाँ सर, मनाली में था, यस, मनाली वगैरह में आप गए होगे घूमने, तो आपने देखा होगा कि वहां पे फर्न का पौधा इस तरीके से होता है। फर्न आर प्लांट विद लीव्स, इसके अंदर क्या होती है, लीव्स मौजूद होती है, मतलब ये एग्जाम्पल्स है, टेरिडोफाइटा की कैरेक्टरिस्टिक्स भी हो सकती है ना, ये कैरेक्टरिस्टिक्स, इसमें लीफ मिलेंगे आपको, लीफ मिलेंगी बहुत मुरझाई हुई पत्तियां से मिलेंगी, अजीब टाइप की, मतलब ड्राई टाइप की पत्तियां मिलेंगी। व्हेन यू सी द फर्न प्लांट यू हैव टू सी द लीव्स इन अ ड्राई नेचर, इसका नेचर काफी सूखा हुआ नेचर होगा। इसके अंदर क्या होती है, रूट्स भी होती है, जड़े भी आपको दिखाई देंगी, क्योंकि क्या होती है, इनकी जो जड़े होती है ना, इनकी जड़े इस तरीके से पूरे, मतलब इनकी जड़े ऐसी होती है कि पूरी इस तरीके से क्या होती है, लैंड को टच करती है, और लैंड से क्या होती है, टच करती है, तो इस तरीके से लैंड जो इनके न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो लैंड में ट्रांसफर हो जाते हैं, और इसी तरीके से फिर से पौधा ये बड़ा होता चला जाता है, और पौधे इस तरीके से ग्रो होते हैं। मतलब इसके अंदर क्या होती है, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन होता है। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन क्या होता है, कि जितनी भी जड़े हैं, ये जड़े भी निकल रही है, ये सब जड़े क्या होती है, लैंड से टच करती है। जब ये जड़े आपकी लैंड से टच करती है, तो उसी लैंड पे क्या होता है, वही क्या होता है, जितने भी पार्टिकल्स वगैरह होते हैं या जितने भी इसके अंदर सीड्स वगैरह होती है, उनके पार्टिकल्स वो उस लैंड के अंदर आ जाते हैं, फिर इस तरीके से क्या होता है, आपका पौधा इस तरीके से बन जाता है। कहते हैं ना कि बचपन में जब हम लोग बेसिकली आम खाते थे, व्हेन वी आर ईटिंग अ आम, और
ठीक है, तो आम में जो गुटली थी होता है ना, गुटली जो होती थी, जो गुटली होती थी, गुटली को कहते थे कि अगर हम लोग फेंक देंगे या उसको हम जस्ट एक सॉइल के अंदर स्टोर करके रख देंगे तो कुछ दिन बाद वहां पे आम का पौधा बन जाता है, ऐसा सुना होगा आपने बचपन में, ऐसा सुना होगा कभी कि गुटली से बेसिकली तरीके से सीड जनरेट होती तो वो पौधा निकल जाता है बेसिकली। तो वही चीज है बेसिकली, जब ये फर्न इस तरीके का पौधा आपके जाता है तो टच होता है तो इस तरीके से क्या होती है, ग्रोथ होती है। तो इट इज क्लियर टू यू ध्रुव एंड वंश, तो दो ही है, बट इसमें कोई भी क्या होती है, फ्लावर्स नहीं होते, ये क्या होते हैं फ्लावर्स, इसमें कोई भी निकलेंगे, फ्लावर्स एक ही में निकलते हैं आपके, जो आपका होता है एंजियोस्पर्म, ठीक है, एंजियोस्पर्म भी पढ़ेंगे उसके अंदर फ्लावर्स। तो टेरिडोफाइटा में क्या होते हैं, आपका फर्न आता है, पेपर में जो बेसिकली आपसे सिंपल सा क्वेश्चन पूछेगा कि फर्न इज एग्जाम्पल ऑफ टेरिडोफाइटा, फर्न किसका एग्जाम्पल है, टेरिडोफाइटा का एग्जाम्पल है। सर जामुन के सीड भी बहुत कम में आते हैं, हाँ जामुन की सीड में भी आपके बेसिकली सीड्स में बहुत कम आते हैं आपके, बेसिकली जो जामुन वगैरह आता है ना ध्रुव, जामुन वगैरह जो होता है वो कभी भी जितने भी फ्रूट्स होते हैं, मैं आपको पहले बता देता हूँ ध्रुव कि वट एवर द फ्रूट्स, जो जितने भी फ्रूट्स हैं वो चाहे जामुन हो चाहे वो एप्पल हो, कोई भी फ्रूट्स हो, फ्रूट्स कभी भी टेरिडोफाइटा की कैटेगरी में ना बायरोफाइटा की कैटेगरी में आएंगे, फ्रूट्स हमेशा एंजियोस्पर्म की कैटेगरी में आएंगे। यदि मैं बताऊंगा ये आपका आएगा तो हमेशा ये ध्यान रखना, फ्रूट्स जितने भी आएंगे, फ्रूट्स वगैरह आप जितने भी खाते हो वो सारे हमारे बायरोफाइटा की कैटेगरी में नहीं ना टेरिडोफाइटा की कैटेगरी में, वो हमारे किसमें आएंगे, एंजियोस्पर्म के आएंगे, क्योंकि एंजियोस्पर्म को फ्लावरिंग प्लांट्स बोलते हैं, पेपर में कई बार आ जाए फ्लावरिंग पार्ट क्या होता है हमारे प्लांट्स का, एंजियोस्पर्म होता है। ओके ध्रुव, तो कुछ चीजें सिमिलैरिटी मिलेंगी ध्रुव, कुछ चीजें मिलेंगी बट हमें कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस में उसको डिफरेंशिएट कर रखा है, जितने भी फ्रूट्स आएंगे वो हमारे एंजियोस्पर्म के पार्ट होंगे। चलो फिर आगे प्रोसीड करते हैं आपके, अब मैंने ये बताया ना कि इसमें स्टेम्स होती हैं, राइजोम्स बोलते हैं, और मैंने बताया इस तरीके से जब सर्फेस पे ये टच होती है, अंडरग्राउंड सर्फेस पे टच होती है तो फिर क्या होते हैं, ये फन का पौधा बनता चला जाता है, जिस तरीके से मैंने बताया इसकी जड़ें वगैरह जो होती है या रूट्स वगैरह जब टच करती है अंडरग्राउंड से तो ये फिर से ग्रोथ कर जाता है आपका पौधा, ठीक है, स्पोर्स होते हैं, रिप्रोडक्शन होता है इनसाइड द स्पॉन्जियम। इसके एग्जाम्पल में क्या होता है, फर्न, अजोला, ठीक है, ये कई बार एग्जाम्पल दे के आपसे सारे पूछा गया है, डायरेक्ट आपसे पूछा गया कि फर्न अजोला इज अ पार्ट ऑफ टेरिडोफाइटा, यस, एनी डाउट वंच, एनी डाउट, किसी भी तरीके का डाउट है, कुछ नहीं है, आपको बस एग्जाम्पल्स याद करना है, यू हैव टू जस्ट रिकॉल द एग्जाम्पल्स एंड एग्जामिनर आस्क द क्वेश्चन फ्रॉम यू दैट एग्जाम्पल इज बिलोंग्स टू विच प्लांट किंगडम। If the examiner gives you the option that is fern azolla, you have to give right the answer to the answer pteridophyta. It's the types of pteridophyta. Pteridophyta क्या होता है? सर जो moss garden उत्तराखंड में है, open हुआ है, वो यही moss है? Yes, yes, much. You are absolutely right. जो हमारा देहरादून के अंदर आपके उत्तराखंड से देहरादून के अंदर या चमोली के अंदर, I think चमोली के अंदर आपका खोला गया है, वो moss garden है, नैनीताल के अंदर। नैनीताल में आपका खोला गया वो यही है moss garden basically. क्योंकि मॉस गार्डन का हम लोग यूज करके हम लोग उसका एप्लीकेशन पर्पस से यूज करते हैं, विद द हेल्प ऑफ दैट मॉस वी हैव टू एक्सट्रैक्ट और वी हैव टू जनरेट अ फ्यूल। मैंने आपको बताया ना कि इसके यूजेस होते हैं, फ्यूल की तरह यूज करा जाता है, वो यही है बच्चों, जो मॉस गार्डन खोला गया है वो मॉस यही है, मॉस इज एग्जाम्पल ऑफ बायरोफाइटा। तो आई थिंक इट इज क्लियर टू यू कैसे क्वेश्चन आने हैं कैसे नहीं आने, क्योंकि ये देखो प्लांट्स आपने देख रखे हैं, मैंने प्लांट्स वगैरह यहाँ ज्यादा नहीं बनाए क्योंकि इतना डिटेल में आपसे नहीं पूछा जाता, केवल आपसे एग्जाम्पल देके सिंपल सा पूछा जाता है ये प्लांट किंगडम का किस एग्जाम्पल का पार्ट है, बस इस तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। आफ्टर दैट अब हमारा क्रिप्टोगैमेट्स वाला पार्ट खत्म होता है, हमारा क्या हो गया क्रिप्टोगैमेट्स फिनिश हो गया, क्रिप्टोगैमेट्स क्या हो गया हमारा फिनिश हो गया, ये फिनिश हो गया। यहां तक कोई डाउट क्रिप्टोगैमेट्स के बारे में, शायद मुझे नहीं पता, शायद नहीं होगा डाउट, आई थिंक सो, इट इज क्लियर टू यू ऑल सिनेरियो। अब क्रिप्टोगैमेट्स वो होते हैं जिनके अंदर सीड्स मौजूद नहीं होती है, ठीक है, इसके पार्ट होते हैं थायलोफाइटा, अंडर द थायलोफाइटा एल्गी फंगाई ये सब हमने पढ़ा, आफ्टर दैट दे हैव टू स्टडी स्टार्ट विद द क्लास विद द हेल्प ऑफ बायरोफाइटा। बायरोफाइटा में हमने ये पढ़ा कि जितने भी शेडी एरियाज होते हैं या शेड पेड़ के नीचे जितना भी शेड होता है जो उसमें डिपॉजिट होता है वो मॉस, मॉस इफ एग्जाम्पल होता है, मॉस के क्या क्या यूजेस होते हैं हमने वो पढ़ा, फिर हमने मॉस के बाद बायरोफाइटा के बाद टेरिडोफाइटा पढ़ा। टेरिडोफाइटा मैंने बताया कि बेसिकली इसके अंदर क्या होती है आपके रूट्स वगैरह होते हैं, स्टेम्स होती है, लीव्स वगैरह होती है, प्रेजेंट होती है, दैट इज अ मेन डिफरेंशिएट बिटवीन द बायरोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा। अंडर द टेरिडोफाइटा द फर्न्स इज अ बेस्ट एग्जाम्पल,
फर्न कैसे होता है, फर्न इसका एग्जांपल है. आफ्टर द क्रिप्टोगैमेट्स वी हैव टू रीच द सेकंड पार्ट ऑफ द प्लांट किंगडम दैट इज कॉल्ड फिनेरोगैमेट्स. अब फिनेरोगैमेट्स का मतलब क्या होते हैं, ऐसे प्लांट जिनके अंदर क्या होती है, सीड प्रेजेंट होती है, सीड होते ही और प्रॉपर वस्कुलर सिस्टम होता है, सीड होती है और साथ साथ क्या होता है प्रॉपर वस्कुलर सिस्टम होता है. वस्कुलर सिस्टम का मतलब क्या होता है, प्रॉपर टिश्यू होता है जो कि टिश्यूज के थ्रू से उनकी ग्रोथ होती है या हॉर्मोन्स प्रेजेंट होते हैं, मतलब रूट स्टेम्स प्रॉपर होते हैं उनके अंदर, इनके अंदर फ्लावर्स भी आते हैं, फ्रूट्स भी आते हैं, तो वो चीजें आती है वो हमारे फिनेरोगैमेट्स कहलाते हैं. फिनेरोगैमेट्स मतलब जिसमें सीड्स प्रेजेंट होती हैं, सीड्स या आपकी जो बीज होते हैं, बीज प्रेजेंट होते हैं, तो ऐसे पौधे क्या कहलाते हैं, हमारे फिनेरोगैमेट्स के अंदर आते हैं. जिनके अंदर बीज नहीं होता है मौजूद, वो हमारे क्रिप्टोगैमेट्स के अंदर आते हैं. तो ये देखो यही चीजें लिखी हुई है, अगर मैं मिटा देता हूँ ताकि मैं रीड कर दूं तो आपको क्लियर हो जाए, ठीक है. यही चीज इसके अंदर लिखी हुई है जो मैंने आपको सिंपल भाषा में समझा, ठीक है. अब क्लास क्या होता है, इसमें क्या लिखा है आपका, लिखा ये है द प्लांट इन दिस ग्रुप आर वेल डेवलप्ड, मतलब इसके अंदर जो भी प्लांट्स आते हैं, पौधे आते हैं, वो बहुत विकसित होते हैं, मतलब बहुत विकसित होते हैं, डेवलप्ड होते हैं, वेल डेवलप्ड होते हैं, क्योंकि इनके प्रॉपर रूट्स होती हैं, प्रॉपर स्टेम्स होते हैं, उनके अंदर प्रॉपर फ्लावर्स दिखते हैं और प्रॉपर फ्रूट्स आते हैं, ठीक है. ऑल प्लांट्स इन द ग्रुप आर हैविंग फ्लावर्स, मैंने पहले बताया, इसके अंदर फ्रूट्स आते हैं और इनके अंदर सीड्स प्रॉपर होती है, दैट इज व्हाई दीज आर द डेवलप्ड पार्ट. द प्लांट्स इन दिस ग्रुप आर क्लासिफाइड इन टू सब ग्रुप्स, इसके दो पार्ट और होते हैं. सबसे पहला होता है जिम्नोस्पर्म, आई थिंक आप लोगों ने ये टर्म सुनी होगी 10th क्लास में. दूसरा होता है आपका एंजियोस्पर्म. दो तरीके के हमारे फ्लावर्स के पार्ट होते हैं, एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म. ये सुना है आप लोगों ने 10th क्लास में, वंश हैव यू फैमिलियर विद दिस वर्ड, पढ़ा होगा बचपन में आपने एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म. अब मैं समझाता हूँ कि एंजियोस्पर्म क्या होता है और जिम्नोस्पर्म क्या होता है. देखो एंजियोस्पर्म वो होता है जिसमें सीड तो है, सीड प्रेजेंट है, बट सीड नेकेड है, मतलब आप अपनी नंगी आंखों से सीड को या बीज को देख सकते हो, मतलब आप सीड को देख सकते हो, मतलब कवर्ड सीड नहीं है, मतलब ऐसे प्लांट जिनके तो सीड कैसे है, अनकवर्ड है, या मतलब ऐसी सीड्स, ऐसे प्लांट जिनके तो सीड नेकेड होती है, आप अपनी आंखों से देख सकते हो, यू कैन इजली सी द सीड्स बिकॉज द सीड्स इज नॉट अनकवर्ड. अनकवर्ड नहीं होती सीड, आप नेकेड आइज से देख सकते हो, मतलब आपको कोई भी पौधा दिखाई देगा सीड्स दिखाई देगी. जैसे एग्जाम्पल आपने देखा होगा पाइनस का पौधा, जानते हो आपको पाइनस का, आपने क्रिसमस ट्री भी देखा होगा, क्रिसमस ट्री इस तरीके से निकलता है, बहुत छोटा सा क्रिसमस ट्री देखा होगा, बड़ा सा लंबा सा क्रिसमस ट्री होता है, उसके बीज आपको दिखाई पड़ते हैं, यू हैव टू सी द सीड्स विद योर नेकेड आइज. चीड़ का पौधा देखा है, चीड़, आर यू फैमिलियर विद द नेम ऑफ चीड़ का पौधा, पहाड़ी इलाकों पे जल्दी होता है चीड़ का पौधा, चीड़ के ये चीड़ वही है पाइनस, चीड़ का पौधा सुना होगा आपने, चीड़ का पौधा, आप उसकी सीड्स को देख सकते हो, मतलब उसकी सीड्स अनकवर्ड रहती है, बाय योर नेकेड आईज यू कैन सी इट, ठीक है. चीड़ का पौधा होता है, पाइनस का पौधा होता है, ये एग्जाम्पल्स मैं आपको दे रहा हूँ, ये आप देखना एक बार, आप अपने आप गूगल सर्च करके देखना तो आपको दिखाई देगा, इन प्लांट्स के अंदर आपको सीड मौजूद होगी. मतलब सीधी सी भाषा की बात यह है कि जिम्नोस्पर्म हमारे वो प्लांट्स होते हैं जिसमें सीड्स हम देख सकते हैं, सीड्स हम अपनी नेकेड आईज से देख सकते हैं. सीड्स क्या होती है, अनकवर्ड होती है, कवर्ड नहीं होती है आपकी, ठीक है, अनकवर्ड होती है, ठीक है. और अगले होते हैं हमारे एंजियोस्पर्म. एंजियोस्पर्म में क्या होते हैं, इसमें सीड क्या होती है, सीड होती है, लेकिन सीड कैसी होती है, कवर्ड होती है. जैसे जितने भी आप फ्रूट्स खाते हो, चाहे एप्पल खाते हो, चाहे आप मैंगो खाते हो, एप्पल वगैरह खाते हो, तो आपने देखा होगा एप्पल के अंदर जो सीड होता है, जो ब्राउन ब्राउन कलर का जो सीड होता है, वो कवर्ड होता है, एप्पल से कवर्ड होता है, ढका हुआ होता है, वो आप अपनी नेकेड आईज से नहीं देख सकते. तो जितने भी हमारे एंजियोस्पर्म होते हैं वो हमारे फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं, फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं, और जितने भी हमारे जिम्नोस्पर्म होते हैं वो हमारे नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं. पेपर में कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि नॉन फ्लावरिंग प्लांट फिनेरोगैमेट्स का क्या होता है, तो आपका होगा जिम्नोस्पर्म, और फ्लावरिंग प्लांट्स क्या होते हैं, हमारे एंजियोस्पर्म. एंजियोस्पर्म क्या होता है, जल्दी से बताओ वंश, क्या होता है एंजियोस्पर्म, जल्दी से बताओ, व्हाट इज एंजियोस्पर्म. इसमें से सीड, सीड होती है, सीड कैसी होती है, कवर्ड होती है. सीड कैसी होती है वंश, सीड कवर्ड होती है. ध्रुव कैसी होती है, कवर्ड होती है, कवर्ड सीड होती है. जैसे आप देखते हो ना, बहुत से ऐसे पौधे होते हैं जैसे फ्रूट्स भी होते हैं जिसमें सीड्स जैसे होती है, जैसे मैं एग्जांपल बताया आपको एप्पल का, एप्पल इज अ गुड एग्जांपल, सीड है उसके अंदर, बट वो सीड, यस पपाया, पपाया के अंदर भी सीड्स होती है आपकी, जो छोटी छोटी सी होती है, वो कवर्ड होती है बेसिकली. ये अब आप जितने भी देख रहे हो ना फ्लावरिंग प्लांट्स वगैरह देख रहे हो, ये सब फ्लावरिंग प्लांट्स हमारे एंजियोस्पर्म आते हैं. डायरेक्ट पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है रेलवेज वगैरह के, कि जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं वो फ्लावरिंग प्लांट्स जिसके एग्जांपल होते हैं, तो फ्लावरिंग प्लांट्स ये वाटर में रहते हैं. देखो सब पता है आपको. अब देखो वंश आ नहीं रहे, देखो वंश ध्रुव आप देख रहे हो, सारे जितने भी चीजें आ रही है वो हमारे फ्रूट पार्ट्स में आपके आ रही है.
ठीक है। तो ये बेसिक चीज जो मैंने आपको सिंपल सी लेमन लैंग्वेज में समझाया, अब देखते हैं कि इसमें लिखा क्या हुआ है। ओके, लेमन लैंग्वेज में समझ में आ गया क्या चीजें हैं। जिम्नोस्पर्म वो होती है जिनकी सीड हम देख सकते हैं, एंजियोस्पर्म में भी सीड होती है जिसकी सीड कवर्ड होती है, दैट्स अ बेसिक। और फ्लावरिंग प्लांट्स हमारे जितने भी होते हैं वो हमारे एंजियोस्पर्म होते हैं। तो हम देखते हैं, अब वही चीज लिखी है जो मैंने आपको बनाई है। जिम्नोस्पर्म आर प्लांट विच नेकेड ओव्यूल, ओव्यूल का मतलब क्या होता है, सीड ही होती है जिसकी हम ओव्यूल को सीड को देख सकते हैं नेकेड आई से, ठीक है। प्लांट्स आर, अब प्लांट्स कैसे होते हैं, ये वुडी होते हैं, ठीक है। और पेरिनियल होते हैं, पेरिनियल मतलब क्या होते हैं, सालाना होते हैं, मतलब पेरिनियल क्या होते हैं, मतलब कि चारों मासों हर मासों आपके ये ग्रोथ होते हैं जिम्नोस्पर्म, और ये क्या होते हैं, काफी लंबे होते हैं। मैंने आपको बताया ना जैसे क्रिसमस ट्री होता है, अगर आपने क्रिसमस ट्री देखा होगा बहुत खूबसूरत क्रिसमस ट्री होता है, वो काफी लंबा होता है, काफी टॉल होता है इस तरीके से। और इवन मैं बता दूं क्रिसमस ट्री की जो इवन सिंगल सिंगल लीव्स होती है बहुत महंगी बिकती है, उसका पूरा काफी कॉस्टली होते हैं क्रिसमस ट्री वगैरह, अगर आपने देखा हो काफी लंबे होते हैं, मतलब ठीक है। इट्स टैप रूट आर वेरी डेवलप्ड, मैंने पहले बताया जितना इसका टैप रूट होता है जितनी भी इसकी जड़ें होती है वो क्या होती है, बहुत डेवलप्ड होती है, मतलब आप इजिली इसको निकाल नहीं सकते। इट इज क्वाइट डिफिकल्ट टू एक्सट्रैक्ट दैट प्लांट, मतलब इसकी जो जड़ें होती है टैप रूट होती है लैंड तक इतनी ज्यादा इम्बेडेड होती है, यू नॉट इजिली टू कट इट इनटू स्मॉलर पीसेस। मैं आपको बता दे रहा हूँ, आपको तो कभी पौधा देखा होगा पाइनस का पौधा, पाइनस का पौधा देखना, उसकी जड़ें उसकी टैप रूट इतनी ज्यादा स्ट्रांग होती है, वो अर्थ के इतने ज्यादा किलोमीटर तक इम्पैडेड होती है कि इवन आपको उसको तोड़ने के लिए, उसको अगर प्लांट को पूरा तोड़ना है तो बुलडोजर लाना पड़ जाएगा आपको, इतनी खतरनाक उसकी टैप रूट होती है जिम्नोस्पर्म की। सो इट इज क्लियर टू यू ऑल व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जिम्नोस्पर्म, तो आपको समझ में आ रहा है वंश क्लियर है। जिम्नोस्पर्म क्या होते हैं, बेसिकली जिनकी सीड्स को हम नेकेड आंख से देख सकते हैं, ये पेरिनियल होते हैं, चारों साल हर मासों क्या होते हैं आपके बनते हैं, इनकी टैप रूट क्या होती है वेल डेवलप्ड, तो ये वेल डेवलप्ड होती है मतलब बहुत ज्यादा इंपैडेड होती है, यू कैन नॉट इजीली एक्सट्रैक्ट विद द हेल्प ऑफ जस्ट कटिंग और नाइफ, यू हैव टू नीड। ओके वंश, ओपिट देखो कुछ नहीं है, ओव्यूल मतलब क्या होता है, ओव्यूल को आप सीड से रिप्लेस कर दो, आपका जो ओव्यूल है यू हैव टू रिप्लेस दैट ओव्यूल वर्ड फ्रॉम सीड्स, सीड से रिप्लेस कर दो, मतलब जिसकी सीड्स हम देख सकते हैं ओव्यूल, क्योंकि सीड्स बनते हैं ओव्यूल से ही, क्या बनते हैं सीड्स बनती है हमारे लिए, ठीक है। ओव्यूल कुछ नहीं है, जस्ट सीड है बच, कुछ नहीं है, वो केवल बीज है, ओव्यूल इज अ काइंड ऑफ बीज जिसके बीज को हम देख सकते हैं। अब इसमें पॉलिनेशन होता है, पॉलिनेशन क्या होता है, परागरण होता है, पॉलिनेशन क्या होता है, ये रिप्रोडक्शन का प्रोसेस होता है, पॉलिनेशन प्रोसेस होता है इसमें, ठीक है। अब इसके एग्जांपल में देखो क्या होता है, एग्जांपल में लिखा हुआ है दे इंक्लूड द मीडियम साइज ट्री जाइंट रेड वुड ट्रीज, एग्जांपल जरूर नोट कर लेना, इस्कोया ऑफ कैलिफोर्निया इज द लॉन्गेस्ट ट्री प्लांट ऑफ द किंगडम, बहुत इंपॉर्टेंट है नोट कर लेना, प्लांट का नाम है जो एक लॉन्गेस्ट ट्री होता है रेडवुड ट्रीज, और स्मॉलेस्ट कौन सा होता है जामिया पागानिया, ठीक है। इसके एग्जांपल में याद कर लेना साइकस, साइकस इंपॉर्टेंट है, बिलोबा इंपॉर्टेंट है, मेटास्कुया इंपॉर्टेंट है, मतलब दीज आर द एग्जांपल्स, मतलब एग्जांपल्स आपको एग्जांपल्स देगा साइकस, ये सब, ये सब किसके अंदर आता है, तो आपका आंसर होगा एंजियोस, और सॉरी जिम्नोस्पर्म एग्जांपल होगा, बस एग्जांपल्स याद कर रहे हैं, जैसे फर्न इज एग्जांपल ऑफ पेरिडोफाइटा, मॉस जल्दी से बताओ मॉस किस एग्जांपल है, मॉस इज एग्जांपल ऑफ बायरोफाइटा, उसी तरीके से साइकस, इसमें आप एक और जोड़ लेना पाइनस का पेड़, पाइनस का भी एग्जाम्पल जो होता है वो आपके जिम्नोस्पर्म के अंदर आता है, ठीक है। ये एग्जाम्पल्स जल्दी देता है एग्जामिनर और आपसे पूछता है, बाकी इतना डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है, इतना मैंने डिटेल में लिखा है। देखो पाइनस आ गया ना, पाइनस आपका पौधा होता है, इसके अंदर आपका होता है, ये सब इसके एग्जाम्पल होते हैं। अगला पढ़ते हैं हम लोग जिम्नोस्पर्म, इतना डिटेल में नहीं पढ़ने की जरूरत है, पर जितना मैंने आपको बताया जितनी कैरेक्टरिस्टिक शॉर्ट वे में सकता है कि जिम्नोस्पर्म क्या होती है, जिसकी सीड हम अपनी नेकेड आंखों से देख सकते हैं, ये काफी टॉल प्लांट्स होते हैं, इसके एग्जाम्पल्स क्या क्या होते हैं, किसकी अगर ग्रोथ होना है तो उसके लिए क्या कंडीशंस चाहिए होती है, वो चीजें हमने देखी, ठीक है। आफ्टर दैट द जिम्नोस्पर्म, तो सेकेंड पार्ट इज एंजियोस्पर्म, मतलब जितने भी फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं, जितने भी हमारे फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं जिसके अंदर फ्लावर्स और फ्रूट्स हमारे क्या होते हैं बनते हैं, वो चीज हमारी आती है एंजियोस्पर्म में, सिंपल सी बात। उसके बाद इसकी जो सीड्स होती हैं वो क्या होती हैं, कवर्ड होती हैं, सीड्स कैसी होती हैं, कवर्ड सीड होती है, मतलब सीड अपनी आंखों से नहीं देख सकते, सीड्स अगर हमें देखनी तो उसको हमें तोड़ना पड़ेगा और तब हम उसको जाके उसकी सीड्स को बेसिकली निकाल सकते हैं,
तो क्या है, एंजियोस्पर्म आर द फ्लावरिंग प्लांट। पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि फ्लावरिंग प्लांट पार्ट क्या होता है प्लांट किंगडम का, तो आपका एग्जाम्पल होगा एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म क्या होते हैं, जितने भी फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं, फ्रूट्स प्लांट्स होते हैं, वो सब एग्जाम्पल होते हैं एंजियोस्पर्म के। ठीक है, इसमें फ्लावर्स ही ज्यादातर आते हैं, फ्रूट्स इज अनदर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजियोस्पर्म। मतलब जितने भी फ्रूट्स होते हैं, फ्लावर्स होते हैं, जो मैंने बताया वो इसकी पार्ट्स होते हैं एग्जाम्पल का। तो एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म क्लियर है अभी तक वंश और ध्रुव, आपको क्लियर है तो जस्ट रिटन क्लियर, अदरवाइज फिर कोई डाउट है तो मैं समझा सकता हूँ। क्लियर होगा, सिंपल सी बात है कि जितने भी फ्लावरिंग और प्लांट्स होते हैं हमारे एंजियोस्पर्म होते हैं, और जिनकी सीड्स कवर्ड होती है वो हमारे एंजियोस्पर्म होते हैं। मतलब ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स, क्योंकि एग्जामिनर क्या होता है इस कैरेक्टरिस्टिक्स को मेंशन करता है और आपसे ये पूछता है कि किसका प्लांट किंगडम का पार्ट है, बस इस तरीके से, और एग्जाम्पल देके सिंपल से पूछता है, और कोई तरीका इसका पूछने का नहीं है। अभी तक जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है उसमें यही चीज देखी गई। ठीक है, अगर ये क्लियर होगा तो इसके एग्जाम्पल में आप हो सकते हो, कई एग्जाम्पल है, इसके भी दो पार्ट में डिवाइडेड होता है। एक होते हैं, आपको बता दो, एक होते हैं मोनोकोटिलीडन, एक होते हैं डाइकोटिलीडन, जिनके अंदर सिंगल सीड्स पाई जाती है। मोनोकोटिलीडन होते हैं और डाइकोटिलीडन होते हैं, मतलब अब डाइकोटिलीडन का मतलब जिसके अंदर टू सीड्स प्रेजेंट होती है डाइकोटिलीडन होते हैं। ऐसे प्लांट जिनके अंदर सिंगल सीड प्रेजेंट होती है, जैसे सिंगल सीड में आप लोग बोलते हो वीट, वीट जो आपका होता है वो आपका सिंगल सीड में आ गया। जितने भी आपके ग्राम्स होते हैं वो सब आते हैं क्या होते हैं, मोनोकोटिलीडन। एप्रिकॉट, यस एप्रिकॉट भी इज एग्जाम्पल ऑफ सिंगल। एप्पल, एप्पल भी एग्जाम्पल है आपका किसका, सिंगल सीड का, क्योंकि सिंगल सीड प्रेजेंट होती है एप्पल के अंदर। अब अगले होते हैं जो मोनो, ये होते हैं मोनोकॉट होता है, मोनोकॉट मतलब जिसके अंदर सिंगल सीड प्रेजेंट होती है, मतलब मोनोकोटिलीडन और डाइकोटिलीडन। मोनोकोटिलीडन वो होते हैं जिसमें सिंगल सीड प्रेजेंट होती है, इसके एग्जाम्पल में हो गया वीट, ग्राम, एप्रिकॉट और ये एप्पल, ये एग्जाम्पल हो गए किसके, आपके मोनोकोटिलीडन के। अब दूसरे होते हैं डाइकोटिलीडन, डाइकोटिलीडन के होते हैं जिनके अंदर दो सीड प्रेजेंट होती है, जिसमें होता है मटर, मटर का पौधा जो होता है उसमें डाइकोटिलीडन टू सीड्स आपकी प्रेजेंट होती है। तो मटर जो पी होता है एग्जाम्पल ऑफ डाइकोटिलीडन, और सिंगल कोटिलीडन का एग्जाम्पल आपका ये होता है, यही ये चीज है। ठीक है, ऑरेंजेस भी आपका क्या होता है डाइकोटिलीडन के अंदर आता है, एक से ज्यादा सीड प्रेजेंट होती है आपकी, जब खाते हो आप ऑरेंजेस में आपको देखती होंगी। तो ये है बेसिकली एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म, इसके एग्जाम्पल्स क्या होते हैं, फिनेरोगैमेट्स क्या होते हैं, एल्गी क्या होती है, रेड एल्गी क्या होती है, व्हाइट एल्गी क्या होती है, इसके क्या क्या यूजेस होते हैं, एग्जाम्पल्स क्या होते हैं, क्योंकि एग्जामिनर क्या करता है, जस्ट गिव द एग्जाम्पल्स टू यू एंड आस्क व्हाट काइंड ऑफ प्लांट किंगडम इट इज एंड जस्ट गिविंग द एग्जाम्पल्स, बस इसी तरीके से पूछा जाता है, और प्लांट किंगडम में कुछ भी नहीं पूछा जाता। तो इट इज क्लियर टू यू ऑल द प्लांट किंगडम पार्ट। अब प्लांट किंगडम अगर आपको क्लियर है तो हम नया टॉपिक पढ़ते हैं प्लांट किंगडम के बाद ही। प्लांट के अंदर कौन कौन से हॉर्मोन्स प्रेजेंट होते हैं, प्लांट्स के अंदर कौन कौन से हॉर्मोन्स प्रेजेंट होते हैं वो देखते हैं। जरा एक मिनट वेट करिएगा, जब तक मैं पीपीटी अपलोड करो, वेट करिएगा बस। एक सो क्लास चलो स्टार्ट करते हैं आपका। नेक्स्ट टॉपिक आपका जो है वो आपका है प्लांट टिश्यूज। ठीक है, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है आपको पीपीटी मिल जाएगी। ठीक है, प्लांट टिश्यूज स्टार्ट करेंगे क्योंकि प्लांट में अगला पार्ट हमारा प्लांट टिश्यूज है। अभी तक ये सब क्लियर होगा आपको, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। ठीक है,
मेन चीज वही थी, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स थी, उसके उसके एग्जांपल्स थे। तो हम लोग अब डील करेंगे आपके किससे, प्लांट टिश्यू से। ओके देखो क्लास, प्लांट टिश्यू के अंदर जो पहला पार्ट होता है टिश्यू क्या होता है, पहले बात आपको समझाता हूं। देखो प्लांट में क्या होते हैं, टिश्यूज क्या होते हैं आपको पता होगा। देखो सबसे पहले क्या होते हैं, सेल्स बनते हैं, सेल्स के कॉम्बिनेशन से टिश्यू की फॉर्मेशन होती है। सेल्स के कॉम्बिनेशन से आपकी क्या होती है, टिश्यू की फॉर्मेशन होती है, और टिश्यू के कॉम्बिनेशन से क्या बनता है, हमारा ऑर्गन बनता है। तो आप कह सकते हो जो टिश्यूज होते हैं वो हमारी सेल और ऑर्गन के बीच की इंटरमीडिएट स्टेट है। ठीक है, टिश्यूज इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल द सेल्स, व्हेन ऑल द सेल्स सिमिलर टाइप्स ऑफ सेल्स आर कंबाइंड व्हिच इज द दे फॉर्म्स अ टिश्यूज, ये टिश्यूज बनाते हैं। तो टिश्यूज क्या है, इट इज एन इंटरमीडिएट सब्सटेंस बिटवीन द सेल एंड ऑर्गन्स, जितने भी सेल्स हैं और जो ऑर्गन्स हैं इनके बीच की जो इंटरमीडिएट स्टेट होती है वो हमारी क्या होती है, टिश्यूज होती है। ठीक है, द ग्रुप ऑफ सेल्स और सिमिलर ओरिजिन स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस आर कॉल्ड टिश्यूज। ग्रुप ऑफ सेल्स जितने भी सारे कोशिकाएं या ग्रुप ऑफ सेल्स आपस में कंबाइन होते हैं जिनका सिमिलर स्ट्रक्चर होता है, इनके कॉम्बिनेशन से टिश्यूज बनते हैं। तो पहले ये चीज बताओ, टिश्यू आपको क्लियर हुआ, टिश्यू क्या होते हैं, टिश्यू जल्दी ग्रोथ में मदद करते हैं। ठीक है, टिश्यूज क्या होते हैं, इंटरमीडिएट स्टेट है, और टिश्यूज क्या होते हैं, सेल्स के कॉम्बिनेशन से कंबाइन होकर टिश्यूज की फॉर्मेशन होती है। अब हम देखते हैं प्लांट्स के अंदर फाइबर्स जो होते हैं वो बेसिकली अलग चीज होती है आपकी। ठीक है, फाइबर्स जो होती है टिश्यूज से बिल्कुल अलग चीज होती है। फाइबर जल्दी क्या होती है, किसी भी चीज की जो हाइट होती है, फाइबर सिस्टम में क्या होते हैं, जितने भी रेसे होते हैं, जैसे कि होते हैं फाइबर्स क्या होती है, जस्ट हेल्प इन प्रोटेक्शन, या करते हैं आप जो फूड्स वगैरह होते हैं या टिश्यूज वगैरह होते हैं उनके प्रोटेक्शन में बेसिकली फाइबर्स का यूज किया जाता है आपके। ठीक है, फाइबर्स के प्रोटेक्शन जाते हैं बेसिकली, क्योंकि जब एनीथिंग और कोई भी चीज में जब बेसिकली रिप्रोडक्शन प्रोसेस और ये सब चीजें होती हैं तो बाहर की जो बेसिकली अनवांटेड थिंग्स होती है वो उसमें बेसिकली आजकल अटैक ना करें। ठीक है, तो उसके हम इसकी फाइबर्स उसके लिए यूज होता है। हाँ, टिश्यू से थोड़ी सी डिफरेंट होती है, जो आपकी फाइबर्स होती है वो टिश्यू से थोड़ी डिफरेंट होती है। ठीक है, बिकॉज फाइबर्स कम्स अंदर द टिश्यूज, फाइबर्स जितनी भी होती है हमारे टिश्यूज के अंदर आपकी आती है। ओके, मतलब थोड़ी सी डिफरेंट है, मतलब आप कह नहीं सकते फाइबर्स और टिश्यूज आर बोथ आर सेम्स। फाइबर्स जल्दी बेसिकली आती है, जस्ट हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है, जैसे हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है जस्ट फॉर द प्रोटेक्शन when the reproduction process takes place in any plant takes place, so that the outside materials or external agents are not affected the process of the reproduction, and that is why we have to use the fiber at that time. So fibers ka use hota hai wahan pe. Ab plant tissues ke types ko dekhte hain, clear ho gaya na, plant ke tissues ko dekhte hain ki plants ke tissues kya kya hote hain. Dekho sabse pehla jo plant ke andar tissue hota hai jisko bolte hain meristematic tissue, एक टिश्यू है। पेपर में आपसे सिंपल से पूछ लिया था कि मैरिस्मेटिक टिश्यू का काम क्या होता है, तो कुछ नहीं होता, मैरिस्मेटिक टिश्यू किसी भी प्लांट के ग्रोथ में मदद करता है। जितनी भी प्लांट के अंदर रूट्स होती हैं, सीड्स होती हैं, उनकी ग्रोथ में या उनकी ट्रंक को बढ़ाने का काम मैरिस्मेटिक का होता है। तो कुछ नहीं है, मैरिस्मेटिक टिश्यू गिव राइज टू द वेरियस ऑर्गन एंड हेल्प इन प्लांट ग्रोथ, मतलब प्लांट की जो ग्रोथ हो रही है, प्लांट इतना लंबा जा रहा है, बड़ा हो रहा है, क्यों हो रहा है, बिकॉज ऑफ दिस मैरिस्मेटिक टिश्यूज। क्योंकि जिस तरीके से हमारे बॉडी के अंदर, मैंने आपको बताया था, पिट्यूटरी ग्लैंड होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड हमारे बॉडी के अंदर जो हार्मोन सीक्रेट्स करता है, एसटीएच हार्मोन, वो हमारी ग्रोथ को इंक्रीज करता है। उसी तरीके से प्लांट्स के अंदर भी क्या होते हैं, आपके मैरिस्मेटिक टिश्यूज होते हैं। तो मैरिस्मेटिक टिश्यूज क्या करते हैं, किसी भी प्लांट की ग्रोथ में मदद करते हैं। बेसिकली द मेन पर्पस ऑफ मैरिस्मेटिक टिश्यू, टिश्यूज का काम ही यही होता है ग्रोथ करना। मैरिस्मेटिक टिश्यू आर दोस टिश्यूज इन विच सेल रिमेन फॉरएवर यंग and divide actively throughout the life of the plant. देखो, मतलब ऐसे tissues होते हैं जिसमें जो आपके cells होते हैं वो young ones होते हैं, young से रहते हैं, और ये cells क्या होता है, division takes place होता है। क्योंकि जितना ज्यादा cell का division takes place होगा उतना ज्यादा क्या होगी, उसके अंदर growth उसकी basically बढ़ने के chances आपके रहेंगे। Okay, these tissues have capability to cell division. इनकी कैपेबिलिटी होती है कि सेल को डिवाइड कर सकते हैं। बेसिकली सेल का डिवीजन क्यों होता है, क्योंकि सेल का डिवीजन नेसेसरी है। अगर सेल का डिवीजन नहीं होगा तो नए सेल्स की फॉर्मेशन आपकी नहीं होगी। तो बेसिकली सेल्स के डिवीजन में मदद करते हैं और टिश्यूज की ग्रोथ में मदद करते हैं। यशवंश, एनी डाउट, कोई भी डाउट हो?
चलिए टिश्यूज डिस्ट्रॉय भी होते हैं, हाँ डिस्ट्रॉय भी होते हैं, डिस्ट्रॉय भी आपके होते हैं, ठीक है, डिस्ट्रॉय होते हैं वाइस वेरल, ठीक है, डिस्ट्रॉय होते हैं इन द फॉर्म ऑफ सेल डिवीजन, तभी नए टिश्यूज बनते हैं इसके अंदर, ताकि वो ग्रोथ क्या होती है, नई तरीके से ग्रोथ होती है बेसिकली, ठीक है, ये डिवीजन होता है आपके, इट इज राउंड, अब इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, राउंड है, ओवल होते हैं और मल्टी साइडेड होते हैं, पूरी तरीके से फैले होते हैं, सेल वॉल होती है इसकी, क्योंकि प्लांट है, प्लांट के अंदर सेल वॉल क्या होती है, प्रेजेंट होती है, सेल वॉल एंड साइटोप्लाज्म इज होमोजीनियस, इसके अंदर जो साइटोप्लाज्म होता है बहुत होमोजीनियस होता है, ठीक है, इतना ज्यादा डेवलप करने की नहीं है आपको, इसका काम क्या होता है, मेंटेनेंस ऑफ सेल रिक्वायर्ड एंड बैलेंस बिटवीन द एंटागोनिस्ट प्रोसेस, मतलब कि जितने भी स्टेम सेल्स बनते हैं या नए नए ऑर्गन्स बनते हैं प्लांट्स के अंदर, तो उनकी ग्रोथ में बेसिकली ये आपका मदद करता है मेरिस्मेटिक टिश्यू, तो मेरिस्मेटिक टिश्यू एक तो प्लांट की ग्रोथ करता है और प्लांट्स के अंदर जितने भी नए नए ऑर्गन्स बनते हैं या उनका निर्माण होता है उनको जस्ट बनाने में, उनकी ग्रोथ करने में या उनको मैन्युफैक्चरिंग करने में आपका मेरिस्मेटिक टिश्यू यूज किया जाता है, दैट्स अ यूज ऑफ मेरिस्मेटिक टिश्यू। अब इस मेरिस्मेटिक टिश्यू के होते हैं कुछ पार्ट्स होते हैं, ये आपको डायग्राम दिख रहा होगा, मेरिस्मेटिक टिश्यू के होते हैं कुछ पार्ट होते हैं, देखते हैं वो कौन से पार्ट क्या क्या होते हैं, क्योंकि जनरली सीडीएस के पेपर में क्वेश्चन पूछा गया है। सबसे पहले मेरिस्मेटिक टिश्यू का पार्ट होता है इपिकल मेरिस्मेटिक का काम क्या होता है, देखो इट इज फाउंड इन द रूट, मतलब कि जो प्लांट के अंदर रूट्स होती हैं, जो आपको रूट दिखाई दे रहे हैं ना, ये वाला प्लांट है, ये प्लांट के अंदर जो रूट्स है, ये रूट्स के अंदर एपिकल पार्ट पाया जाता है और ये स्टेम्स के एपेक्स में पाया जाता है, इस प्रोड्यूस ऑक्सिन, ये क्या करता है, ये टिश्यू बनाता है, ऑक्सिन एक हार्मोन होता है, ऑक्सिन हार्मोन्स का निर्माण करता है, तो पेपर में आपसे पूछ सकता है कि जो टिप में प्रेजेंट होता है, जो कि रूट्स में प्रेजेंट होता है और स्टेम की एपेक्स में प्रेजेंट होता है, एपेक्स मतलब होता है आपकी टॉप मोस्ट, तो स्टेम के टॉप मोस्ट पार्ट में प्रेजेंट होता है और जो रूट में प्रेजेंट होता है वो क्या होता है आपका एपिकल मेरिस्मेटिक, दीज आर द टाइप्स ऑफ मेरिस्मेटिक टिश्यूज, ओके बंच, दीज आर द टाइप्स ऑफ मेरिस्मेटिक टिश्यू, द फर्स्ट टाइप्स ऑफ मेरिस्मेटिक टिश्यू इज एपिकल मेरिस्मेटिक टिश्यू, एपिकल मेरिस्मेटिक टिश्यू आर प्रेजेंट इन अवर रूट्स प्लांट, जो रूट्स होती है, जो स्टेम होती है उसकी जड़ों पे और उसके जो तना होता है वहां पे मौजूद, तनों की ऊपरी सतह पर मौजूद होते हैं और ये ऑक्सिन हार्मोन, कौन सा हार्मोन बनाते हैं हमारे बॉडी के अंदर, ये प्लांट के अंदर ऑक्सिन हार्मोन बनाते हैं और ये क्या काम क्या होता है, इट कॉज द रूट इंक्रीज इट्स लेंथ, मतलब कि जो प्लांट होता है, प्लांट की जो लेंथ होती है, जो लंबाई होती है, प्लांट की लंबाई बढ़ाने में ये एपिकल मेरिस्मेटिक यूज किया जाता है, तो एपिकल मेरिस्मेटिक इज अ टाइप ऑफ द मेरिस्मेटिक टिश्यू विच इज प्रेजेंट इन द रूट एंड द स्टेम पार्ट, स्टेम और रूट पार्ट पे प्रेजेंट होते हैं, उनकी जो प्लांट की जो लंबाई होती है, बेसिकली जो लेंथ होती है उसको बढ़ाने में ये मदद करते हैं, बेसिकली दैट इज द फंक्शन ऑफ एपिकल। एपिकल के बाद होता है लेटरल मेरिस्मेटिक। अब क्या होता है, स्टेम के जो ऊपर वाला पार्ट होता है, जो तना होता है ना, ये वाला लेटरल आपको दिख रहा होगा, जो तना होता है, जो स्टेम होती है, वो यहाँ पे प्रेजेंट होता है, जस्ट ये जो स्टेम की जो ग्रोथ होती है, स्टेम की जो ग्रोथ होती है, जैसे अभी यहाँ इतने वाले रीजन तक तो देखो ये प्रेजेंट था आपका एपिकल पार्ट, आफ्टर द एपिकल पार्ट देयर इज अ लेटरल पार्ट। लेटरल पार्ट क्या होता है, जो तना होता है, बेसिकली जो हमारे प्लांट का जो स्टेम वाला पार्ट होता है, जो ट्रंक होती है, वो यहाँ पे मौजूद होता है, उसकी ग्रोथ में, बेसिकली जो उसकी ग्रोथ में मदद करता है, वो लेटरल पार्ट में मदद करता है। आफ्टर द लेटरल पार्ट द थर्ड पार्ट इज एंटरकेलरी मेरिस्मेटिक टिश्यू। एंटरकेलरी मेरिस्मेटिक टिश्यू क्या होता है, जो हमारा ये ऊपर वाला पार्ट है, जहां पे हमारे फ्रूट्स वगैरह, जो फ्लावर्स वगैरह ग्रोथ होते हैं प्लांट्स के अंदर, दैट इज अ पार्ट ऑफ एंटीकेलरी। यहाँ पे क्या होता है, एंटरकेलरी पार्ट होता है, एंटरकेलरी होता है, ये दीज आर द थ्री पार्ट्स। इसमें सबसे पहला क्या पार्ट होता है, एपिकल। एपिकल का काम होता है रूट पे, पेपर में आ सकता है, एपिकल का काम होता है रूट्स को बढ़ाने का। यहाँ पे क्या होता है, लेटरल पार्ट होता है आपका, जो ऊपर वाला पार्ट होता है, जो कि फ्रूट्स वगैरह की ग्रोथ करने में या मोनोपॉड्स बनाने में या डाइकोटिलेडन्स को बनाने में क्या होता है, एंटीकेलरी पार्ट होता है। ये जो हमारी टिप, जो सबसे टॉप मोस्ट पार्ट में हमारा प्रेजेंट होता है, मतलब इस तरीके से क्या होते हैं, मेरिस्मेटिक टिश्यूज के पार्ट होते हैं, एंटीकेलरी आपके एपिकल पार्ट होता है और लेटरल पार्ट होता है, और इस तरीके से इसके फंक्शंस होते हैं, यही चीज इसमें मेंशन करी गई है। इट इज इंपॉर्टेंट फॉर दोस प्लांट हुज एपेक्स पार्ट्स आर ईटन बाय द वेजिटेरियन एनिमल्स। अब जितने भी वेजिटेरियन एनिमल्स होते हैं, जैसे गाय वगैरह होती है, गाय वगैरह पता होगा आपको,
जल्दी लीव्स वगैरह बहुत खाती है, क्योंकि लीव्स कहाँ जनरेट होती है, लीव्स जनरेट जो होती है उसके जो अपर पारा पार्ट होता है, एपिकल पार्ट होता है, वहीं पे आपकी जनरेट होती है, एपेक्स वाला पार्ट होता है, तो उसको क्या होती है, गाय जनरली जितने भी वेजिटेरियन एनिमल्स होते हैं उसको खाते हैं बेसिकली। और एंटीकुलरी पार्ट में आप एग्जाम्पल कह सकते हो ग्रास का, जो ग्रास वगैरह होती है ना आपकी, जैसे आप लोग देखते हो कि गार्डन वगैरह में आपके वहां पे ग्रास जनरेट होती है, तो ग्रास जो बेसिकली जनरेट होती है वो एंटीकुलरी पार्ट है, जो आपको विजिबल है, देख सकते हो। तो कुछ नहीं, आपको मैंने समझाया, अगर एक पौधा होता है तो पौधे के नीचे वाला जो पार्ट होता है एपिकल पार्ट होता है, ये एपिकल होता है मेरिस्मेटिक टिश्यू, जो कि ग्रोथ किसकी करता है, रूट्स की ग्रोथ करता है। एपिकल के बाद होता है एंटीकुलरी पार्ट, सॉरी एंटीकुलरी नहीं, आपको होता है एंटीकुलरी आपका ऊपर होता है, ठीक है। एपेक्स के बाद होता है लेटरल पार्ट, लेटरल पार्ट क्या होता है, हमेशा जो स्टेम की ग्रोथ होती है उसको बढ़ाता है, बेसिकली स्टेम्स वगैरह की जो ग्रोथ है, जो ट्रंक होती है ट्री की, उसकी ग्रोथ को बढ़ाने का काम करता है। ये क्या होते हैं, मेरिस्मेटिक टिश्यू। तो मेरिस्मेटिक टिश्यू क्लियर हो गए क्या होते हैं, क्योंकि ये सीडीएस में क्वेश्चन आया हुआ है, एपिकल पार्ट का फंक्शन क्या होता है, लेटरल पार्ट का क्या होता है, इंटरग्लेरी का पार्ट क्या होता है। इट इज क्लियर टू यू, वंश क्लियर हुआ, सिंपल सी बात है। देखो मैंने आपको समझाया, एपिकल में समझाया कि रूट्स बढ़ती है, जो बीच वाला पार्ट आपको मैंने समझाया उसमें आपको समझाया लेटरल पार्ट होता है, उसमें जो स्टेम्स होती हैं वो ग्रोथ होती है, और जो इंटरक्लैरी पार्ट होता है, इंटरक्लैरी पार्ट जो सबसे टिप में प्रेजेंट होता है प्लांट के, वो उसकी लीव्स को बढ़ाने का काम, या उसकी जो फ्रूट्स वगैरह होते हैं उसमें सेल डिविजन करने का काम वो करता है। जैसे ये चीज मैंने आपको समझाई और कुछ नहीं समझाया। अगला टाइप के जो टिश्यूज होते हैं वो होते हैं परमानेंट टिश्यूज। परमानेंट टिश्यूज होते हैं, दो तरीके के टिश्यूज होते हैं परमानेंट के अंदर, एक होते हैं सिंपल टिश्यूज जो कि सिंगल सेल से बने होते हैं, परमानेंट टिश्यूज होते हैं प्लांट के अंदर, एक होते हैं सिंपल टिश्यूज और दूसरे होते हैं आपके कॉम्प्लेक्स टिश्यूज। दो तरीके के टिश्यूज होते हैं, सिंपल टिश्यूज और कॉम्प्लेक्स टिश्यूज। सिंपल टिश्यूज वो टिश्यूज होते हैं जो कि सिंगल सेल से बने होते हैं, ऐसे टिश्यूज जो सिंगल सेल से बने, मतलब डिफरेंट डिफरेंट सेल्स का यूज करके नहीं बनाए जाते, वो होते हैं हमारे सिंपल टिश्यूज। अब कॉम्प्लेक्स टिश्यूज के अंदर आते हैं हमारे जाइलम और फोलम। कॉम्प्लेक्स टिश्यूज के अंदर क्या होते हैं, जाइलम और फोलम। तो जाइलम और फोलम क्या है, दीज आर द कॉम्प्लेक्स टिश्यूज विच आर प्रेजेंट इन द प्लांट, विच जाइलम हेल्प इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड द फोलियम हेल्प इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड, दैट्स अ बेसिक फंक्शन। यही चीज इसके अंदर लिखी गई है जो आपको बता रहा हूँ। देखो सिंपल टिश्यूज क्या होते हैं, दे आर मेड अप ऑफ सिंगल सेल, आर कॉल्ड सिंपल टिश्यूज, ये सिंपल टिश्यूज कहलाते हैं। कॉम्प्लेक्स टिश्यूज क्या होते हैं, जो कि एक से ज्यादा सेल से मिलकर बने होते हैं, वो क्या होते हैं, हमारे कॉम्प्लेक्स टिश्यूज होते हैं बेसिकली। और ये इनका नेचर कैसा होता है, हेट्रोजीनियस होता है आपके, ठीक है। सिंपल टिश्यूज के एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या होते हैं, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, शायद आप यही पूछना चाह रहे होंगे। सिंपल टिश्यूज के एग्जांपल होते हैं आपके पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, ठीक है, स्कैलेरेन्काइमा, नोट कर लो आपको, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्कैलेरेन्काइमा, इतना डिटेल में नहीं पूछता, केवल आपको पता होना है सिंपल टिश्यूज के एग्जांपल क्या होते हैं, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा और आपका होता है स्क्लेरेन्काइमा। दीज आर द एग्जांपल ऑफ सिंपल टिश्यूज, ये आप लोग नोट डाउन कर लेना। और कॉम्प्लेक्स टिश्यू के एग्जांपल्स क्या होते हैं, जो कि एक से ज्यादा सेल से मिलकर बने होते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल से, जाइलम और फोलियम से मिलकर बने होते हैं। इट इज क्लियर टू यू। अब जाइलम फोलम आप जानते ही हो, जाइलम फोलम का काम क्या होता है, जल को कैरी करना, ये देखो लिखा है ना, जाइलम और फोलम, ये वस्कुलर टिश्यूज भी कहलाते हैं। वस्कुलर टिश्यूज क्या होते हैं, क्योंकि इनमें वस्कुलरिटी होती है, सब कैरी करने की, ट्रांसपोर्ट करने की, वाटर को कैरी करने की और फूड को कैरी करने की, दीज आर द वस्कुलर टिश्यूज। तो जाइलम जानते होंगे, जाइलम किसलिए यूज करते हैं, कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, जितने भी वाटर और मिनरल्स होते हैं उसके कंडक्शन में, उसको फ्लो कराने में जाइलम का यूज होता है। इट ऑल्सो प्रोवाइड द मैकेनिकल सपोर्ट, मतलब प्लांट के अंदर जितना भी मैकेनिकल सपोर्ट होता है उसको सपोर्ट प्रोवाइड करने का काम भी क्या होता है, जाइलम का होता है। तो व्हाट आर द टू फंक्शन ऑफ जाइलम, इट हेल्प इन कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स एंड हेल्प फॉर मैकेनिकल सपोर्ट। तो इट इज क्लियर टू यू व्हाट्स द बेसिक फंक्शन ऑफ, इट ऑल्सो कैरी द मिनरल्स ऑल्सो। एक बार क्वेश्चन आया था कि मिनरल्स कैरी करता है कि नहीं करता, यूपीएससी में क्वेश्चन आया था, तो मिनरल्स भी कैरी होते हैं, ध्यान रखिएगा। व्हाट आर द इंपॉर्टेंट मिनरल्स एंड वाटर्स, इट कैन ट्रांसपोर्टेशन विद द हेल्प ऑफ जाइलम, एंड जाइलम इज ऑल्सो प्रोवाइड द मैकेनिकल सपोर्ट टू द प्लांट, मैकेनिकल सपोर्ट भी देता है प्लांट को ताकि उसकी स्ट्रेंथ बनी रहे, गिरे ना प्लांट इजली। तो ये दैट इज अ फंक्शन ऑफ जाइलम। जाइलम समझ में आया, जाइलम इज अ टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स टिश्यू एंड इट्स अ परमानेंट टिश्यू विच इज प्रेजेंट इन प्लांट्स। आफ्टर द जाइलम यू आर ऑल फैमिलियर विद द नेम। अच्छा एक चीज और ये आती है पेपर में, डेंड्रोकार्नियोलॉजी। पेपर में एक बार क्वेश्चन आया है
कि आप कैसे बता सकते हो कि एक ट्री की क्या एज है या प्लांट की कितनी एज है। ठीक है, एक बार एक क्वेश्चन आया था, आप प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस करोगे तो आपको समझ में आएगा एक प्लांट की एज क्या होती है, आप कैसे बता सकते हो। अगर मैं आपको एक पौधा दे दूं, आपसे मैं कहूं इसकी एज बताओ, आप कैसे बताओगे। तो जितनी भी एनुअल नंबर ऑफ रिंग्स होती है, मतलब प्लांट के अंदर जितनी ज्यादा रिंग्स होती है, इस तरीके से जैसे आप लोगों को बता दूं जो ठीक है, जितनी ज्यादा एनुअल रिंग होती है, तो अगर एनुअल रिंग होगी, रिंग के अनुसार हम किसी भी प्लांट की एज को बता सकते हैं। सपोज किसी एक प्लांट के अंदर 50 रिंग्स है, तो भी प्लांट है जो कि चिपका हुआ है आपके वॉल से, उसके अंदर 50 रिंग है, वॉल से इस तरीके से चिपका हुआ है 50 रिंग है, तो आप बताओगे पता है उसकी एज क्या है, उसकी एज 50 इयर्स। क्वेश्चन कई बार आया हुआ है, तो नंबर ऑफ रिंग से जो प्लांट के अंदर प्रेजेंट होती है उसके हिसाब से हम किसी भी प्लांट की एज को बता सकते हैं कि उसकी आयु क्या है, उसको हम बता सकते हैं कि नंबर ऑफ रिंग के बेसिस पे। तो नंबर ऑफ रिंग के बेसिस पे बताते हैं, इसकी स्टडी को बोलते हैं डेंड्रोकार्नियोलॉजी। डेंड्रो डेंटिगाइड्स के नाम से बनी है, डेंड्रोकार्नियोलॉजी। तो डेंड्रोकार्नियोलॉजी कैसे समझ में आया, वंश समझ में आया, हम किसी भी प्लांट की एज को कैसे बता सकते हैं, हम जितने नंबर ऑफ रिंग्स होती है उसके अंदर, रिंग्स क्या होती है, जो इस तरीके से छल्ले बनते हैं, इस तरीके से छल्ले इस तरीके से बनेंगे, उसी तरीके से हम किसी प्लांट की एज को बता सकते हैं। मतलब दैट इज अ मेथड बाय विच वी कैन इजीली डिटरमाइन द एज ऑफ एनी प्लांट, किसी भी प्लांट की एज को हम बता सकते हैं। मतलब दीज आर द मेथड्स, कि पेपर में क्वेश्चंस आए हुए, आप प्रैक्टिस करना, क्लासिफिकेशन से क्वेश्चन आपको इसी तरीके से बनेंगे। आफ्टर द जाइलम द सेकंड पार्ट इज फोलम, फोलम प्रेजेंट होता है। तो फोलम क्या होता है, फोलम को देखते हैं, इट इज एन एलिमेंट कंपेनियन सेल पैरेन्काइमा पोलेन्काइमा। ठीक है, ये क्या करता है, फूड के प्रोडक्ट में मदद करता है, ये फूड को क्या करता है, जल्दी ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है, बस इतना करेगा। फूड को ट्रांसपोर्ट करने का काम किसका होता है, आपके फ्लोएम का होता है। फ्लोएम का काम क्या होता है, फूड को कैरी करना टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट, सो दैट द ग्रोथ ऑफ द प्लांट टेक्स प्लेस। फूड तब तक जाएगा तभी ग्रोथ हो सकती किसी भी प्लांट के अंदर। तो मतलब दीज आर द टिश्यूज विच आर प्रेजेंट इन द प्लांट, इट इज क्लियर टू यू व्हाट आर द टिश्यूज विच आर प्रेजेंट इन द प्लांट्स, समझ में आया। मैरिस्मैटिक टिश्यूज होते हैं, मैरिस्मैटिक टिश्यू के तीन पार्ट होते हैं, मैंने क्या क्या बताया, सबसे पहला होता है एपिकल पार्ट। एपिकल पार्ट क्या होता है, जो कि रूट्स पे प्रेजेंट होता है। एपिकल के बाद क्या बताया मैंने, लेटरल पार्ट। लेटरल पार्ट बिल्कुल बीचों बीच में प्रेजेंट होता है। इंटरक्लैरी पार्ट क्या होता है, सबसे टॉप में प्रेजेंट होता है। मतलब इस तरीके से प्लांट की ग्रोथ होती है। आफ्टर द मैरिस्मैटिक टिश्यू देयर इज अ सेकंड टाइप ऑफ टिश्यू, दैट इज परमानेंट टिश्यूज। परमानेंट टिश्यूज के बारे में बताया था मैंने, सिंपल टिश्यूज होते हैं और जिसमें पैरेन्काइमा पोलेन्काइमा ये सब आता है। और आपकी कॉम्प्लेक्स टिश्यूज के अंदर आपके आते हैं जाइलम और फोलम। जाइलम का काम होता है ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड एंड मिनरल्स एंड हेल्प इन मैकेनिकल सपोर्ट। और फोलम का काम क्या होता है, जस्ट फूड को ट्रांसपोर्ट करने का। और किसी भी प्लांट की एज को कैसे बता सकते हैं, अगर प्लांट के अंदर जितनी नंबर ऑफ रिंग्स होंगी, जितनी नंबर ऑफ रिंग्स होंगी उसी प्रकार से हम प्लांट की एज को बता सकते हैं कि प्लांट, अगर इसी प्लांट के अंदर 50 रिंग प्रेजेंट है तो हम कह सकते हैं ये प्लांट 50 आयु है इसकी, 50 साल का पौधा है। इस तरीके से हम किसी भी प्लांट की एज को बता सकते हैं। नाउ वी प्रोसीड द सेकंड पार्ट ऑफ प्लांट, दैट इज प्लांट हार्मोन। अब हम देखेंगे प्लांट के अंदर कौन कौन से हार्मोन मौजूद होते हैं। ठीक है, अगर ये क्लियर होता है तो हम प्लांट्स के हार्मोन देखते हैं। देखो प्लांट के अंदर जो पेपर में देखो क्वेश्चंस कैसे बनते हैं कि प्लांट के अंदर कौन सा हार्मोन नहीं होता है। बेसिकली चार तरीके के हार्मोन्स होते हैं प्लांट्स के अंदर, जैसे हमने प्लांट बॉडी के अंदर पढ़े थे ना, हार्मोन्स होते हैं आपके ग्लैंड से हार्मोन्स बनते हैं, उसी तरीके से प्लांट्स के अंदर भी क्या होते हैं, हार्मोन मौजूद होते हैं। तो सबसे पहला हार्मोन जो प्लांट के अंदर मौजूद होता है जिसको बोलते हैं ऑक्सिन, पहला हार्मोन का नाम क्या है आपके, ऑक्सिन हार्मोन होता है। ये ऑक्सिन हार्मोन का काम क्या होता है, इट कंट्रोल द ग्रोथ ऑफ द प्लांट। मतलब प्लांट के अंदर जितनी भी ग्रोथ हो रही है, वो ग्रोथ बढ़ रही है घट रही है, उसको बताने का काम किसका होता है, ऑक्सिन का। ये छोटा पॉइंट है, ये याद करने की जरूरत नहीं है कि किसने डिस्कवर करा था, पेपर में आपसे नहीं पूछेगा। वैसे अगर याद कर लो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पूछा कभी आज तक नहीं किया, डार्विन ने डिस्कवर किया था ऑक्सिन को। तो ऑक्सिन क्या है, ऑक्सिन इज अ प्लांट हार्मोन विच कंट्रोल द ग्रोथ ऑफ द प्लांट। किसी प्लांट का जो वृद्धि दर होता है, पौधे का जो वृद्धि दर होता है, वो ऑक्सिन के द्वारा बताया जाता है। दे प्रोड्यूस इन स्टेम्स, कहाँ प्रोड्यूस होता है, जो आपकी जड़ें होती हैं, जो तना होता है, तने में प्रेजेंट होती है। बड्स, बड्स कहाँ होती है, फ्लावर्स के अंदर। तो बेसिकली फ्लावर्स के अंदर जो बड्स वगैरह होती है वहां पे प्रेजेंट होता है। और रूट की जो टिप्स होती है, जो रूट की जो जड़े की जो टिप्स होती है ना, जड़ अगर इस तरीके की, जो टिप्स होती है इसकी, जो टिप वाला पार्ट होता है ना, टिप वाले पार्ट पे ये प्रेजेंट होता है ऑक्सिन हार्मोन। जल्दी इनकी जो ग्रोथ होती है, स्टेम की ग्रोथ करना, बड्स की ग्रोथ करना,
ठीक है, और एक प्लांट की ग्रोथ करना, क्योंकि इनकी ग्रोथ होगी तभी एक प्लांट की ग्रोथ हो सकती है। वो कंट्रोल कौन करता है? हमारा ऑक्सिन करता है। दैट्स अ बेसिक फंक्शन ऑफ ऑक्सिन। ठीक है, तो समझ में आया वंश? क्लियर है आपको? एनी डाउट? ऑक्सिन, अब ऑक्सिन क्या करता है? ऑक्सिन क्या करता है? एनहांस द स्टेम्स ग्रोथ। जो स्टेम होता है, स्टेम जो होती है, अच्छा प्लांट लीव क्यों सोख लेती है? प्लांट की जो लीव्स होती है सूख क्यों जाती है? ओके, सूख इसलिए जाती है क्योंकि उनके अंदर क्लोरोफिल की कमी हो जाती है, लैकिंग ऑफ क्लोरोफिल। मैग्नीशियम की कमी हो जाती है क्योंकि पत्तियों के अंदर क्या होता है, मैग्नीशियम होता है, उनकी कमी हो जाती है या प्रॉपर नहीं होता, इसलिए बेसिकली सूख जाती है, ड्यू टू लैक ऑफ क्लोरोफिल। इट इज क्लियर टू यू बंच? क्लोरोफिल की कमी हो जाती है, अब रेगुलर आप पानी नहीं देते उनको, ठीक है, और वास्कुलर सिस्टम वीक पड़ जाता है उनका, इसलिए बेसिकली सूख जाती है, ये भी रीजन होता है। ठीक है, अब क्या होता है, ऑक्सिन क्या करता है? ऑक्सिन क्या करता है? जो हमारी स्टेम की ग्रोथ होती है, जो हमारा तना होता है पौधे का, उसकी ग्रोथ में मदद करता है, और जो लेटरल पार्ट होता है, मैंने बताया था ना कि जो प्लांट का जो लेटरल पार्ट होता है, स्टेम यही होती है ना आपके, इस तरीके से तना, उसकी ग्रोथ में आपका ऑक्सिन मदद करता है। ओवरऑल कुछ नहीं है, बार बार ग्रोथ में मदद करता है, और ये किससे बचाता है? सेपरेशन ऑफ लीव्स, लीव्स के सेपरेशन से भी क्या होता है, हमें बचाने का काम करता है, मतलब लीव्स को तोड़ने से, टूटने से बचना बचाता है आपके, सेपरेट होने से। ध्रुव कह रहा है जैसे तुम खाना नहीं खाओगे सूख जाओगे, उसी तरीके से उसी तरीके से क्या होती है, लीव्स भी सूख जाती है, प्लांट पौधा सूख जाता है, वही चीज है बेसिकली। बिल्कुल सही चीज बोली आपके ध्रुव ने, करेक्ट ध्रुव, खाना नहीं खाओगे तो सूखे आ जाओगे। ठीक है, तो सेपरेशन ऑफ लीव्स, लीव्स को सेपरेट करने से बताता है, डिविजन ना हो लीव्स का, ठीक है, उनको टूटे ना, मतलब पतझड़ ना हो, क्योंकि अगर लीव्स टूटेंगी तो फिर प्लांट्स को चोट पहुंचेगी, उनके प्रोटेक्शन में मदद करता है आपके ऑक्सिन हार्मोन। तो ये फंक्शंस होते हैं, इट सेव द क्रॉप फ्रॉम फॉलिंग एंड डिस्ट्रॉय द स्ट्रॉस। अब जितने भी स्ट्रॉस वगैरह आते हैं क्रॉप्स को सड़ने से बचाने का काम, ये ऑक्सिन का होता है, तो ऑक्सिन का बहुत अच्छा यूज होता है। तो ऑक्सिन एक प्रकार का हार्मोन है जो कि प्लांट के अंदर ग्रोथ में मदद करता है। जनरली जितना भी लेटरल पार्ट होता है आपके प्लांट का, मेरिस्मेटिक टिश्यू है, उसके ग्रोथ में, स्टेम की ग्रोथ में, बड्स की ग्रोथ में मदद करता है बेसिकली, और जो लीव्स होती है लीव्स के सेपरेशन को ये झड़ने से बचाता है। ये एग्जाम्पल ये आपको दे जाएगा पेपर में, यही कैरेक्टर्स लिखी जाएंगे और आपसे पूछा जाएगा ये हॉर्मोन्स कौन सा परफॉर्म करता है। इन दिस वे द एग्जामिनर आस्क द क्वेश्चन फ्रॉम यू। टू इट इज क्लियर टू यू? ऑक्सिन का फंक्शन समझ में आया? तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, क्योंकि अभी नेक्स्ट क्लास आपकी है करंट अफेयर्स की, ज्वाइन करनी पड़ेगी मुझे। तो इट इज क्लियर टू यू ध्रुव? पंच क्लियर हुआ? बाकी आज पता नहीं क्यों नहीं आया। बाकी गैबरेलिन है, साइटोकाइनिन है, इसको पढ़ा के फिर हम अपना नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करेंगे आपका फिजिक्स का। ठीक है, इट इज क्लियर टू यू ऑल? सबको क्लियर है ना? बस बता देना। ओके, अभी बाय बाय नहीं, अभी उसमें आना करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, चलो लेट्स ज्वाइन द करंट अफेयर्स, करंट अफेयर्स में मिलोगे, आते हैं। ठीक है, फटाफट 2 मिनट का वेट करो बस। Thank you.